राव जी, द फोर्थ एम्पायर शो में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। जरा तालियां होनी चाहिए खुल के भाई। भाई पाकिस्तान में सब कुछ जो है ना, कुछ उल्टा सीधा सा चल रहा है। कभी हमें बताया जाता है कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, फिर कुछ अरसे बाद बताया जाता है कि मुल्क जो है वो बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये मुल्क जा कहाँ रहा है। कभी हमें बताया जाता है कि जी बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, फिर अचानक से रात को सोने से पहले पता चलता है कि सुबह हड़ताल है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। ये मुल्क किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ आ रहा है अजहर भाई? आपको समझ आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे किसी को समझ नहीं आ रहा, वैसे पीएसएल का भी किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ टीम्स ऐसी हैं जो एक दिन बहुत कमाल खेलती हैं और दूसरे दिन कुछ नहीं कर पाती हैं। जैसे कि कराची बहुत अरसे से बहुत बुरा खेल रहे थे, लेकिन अचानक से जो कमबैक किया तो कराची वाले इतने खुश हो गए कि हड़ताल ही कर दी शहर में। भाई तालियां उनके। और आज आप देखें, इस्लामाबाद और लाहौर का मैच चल रहा है। इस्लामाबाद पिछले मैच में इतना अच्छा परफॉर्म किया, कराची को धो दिया उन लोगों ने, और उसके बाद आज अचानक से समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कोई भी प्लेयर नहीं चल पा रहा। आसिफ अली एज यूजुअल, हमेशा की तरह। आज का मेरा टॉपिक जो है वो आसिफ अली है। हम बात करेंगे हमारे लेजेंड से, द वन एंड ओनली अजहर अली। अजहर भाई मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी, जरूर। जान की अमान पाऊँ तो आप मेरे कुछ सवालों के जवाब देंगे। सच सच बताइए, ये क्या करना, क्या है आसिफ अली का, क्या करना है? नहीं, आई थिंक जैसे हम हैदर अली के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आसिफ अली तो उनसे भी ज़्यादा अब एक्सपीरियंस आगे निकल चुके हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि किस तरीके से इतने अरसा खेलने के बावजूद जो है वो कंसिस्टेंसी आ नहीं रही है। इतने मौके, स्पेशली पीएसएल में इतने मौके मिलते हैं। हर दफ़ा आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकें, लेकिन जब भी ज़्यादा टाइम के लिए बैटिंग आती है तो बहुत कम ही टाइम है कि वो चल सके। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 के पीएसएल से लेके अभी तक जितने पीएसएल के मैचेस हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ दो मैचेस में डबल फिगर्स में गए, उसके अलावा कुछ नहीं किया। क्योंकि मैं तो देखिए क्रिकेटर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं एक कॉमन चीज़ जो देखता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि होता क्या है। आसिफ अली हर बार जब भी एक शॉट खेलते हैं तो सबसे पहले एक कदम पीछे लेके जाते हैं और इसी जगह पे शॉट मारते हैं, या यहाँ आउट होते हैं या यहाँ आउट होते हैं। मतलब ये कौन समझाएगा और कैसे समझाएगा कि कैसे खेलना चाहिए? आप बताएं, आप तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, सर जरा बताइए ना। इतना आप आसिफ अली होते तो क्या करते? नहीं देखिए, मैं हम पहले काफ़ी दफ़ा इस चीज़ पे बात कर चुके हैं कि हम एक एरिया को जब बाकी एरियाज को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब बैटिंग में लिमिटेशन आ जाती है। जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो फिर से एक साइड पे हिट लगाना, बॉलर को भी पता है कि इसने इस तरफ हिट लगानी है या इसने सिक्स से छिका मारने ही जाना है, तो उस वक्त बॉलर भी एक होता है कि यार मैं इससे बाउंड्री नहीं खराऊंगा, तो डॉट बॉल्स होते रहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक बॉलर को जब तक आप रोटेट नहीं करेंगे स्ट्राइक, इनिंग को लंबा नहीं लेके जाएंगे, तब तक बॉलर आपसे हिट भी नहीं खाएगा। आपने कभी उसे ड्राइव मारते हुए देखा? नहीं देखा जरूर है, ये नहीं कि उसने नहीं मारी होगी, लेकिन नेट्स पे देखा? नहीं, खेले जरूर, मैचेस भी अच्छे से जिताए भी हुए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है कि हेयर एंड देयर अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है, लेकिन जो है ना कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग। अगर इतना अरसा मेच्योर प्लेयर हैं, इतने अरसे से खेल रहे हैं, मेच्योरिटी दिखानी भी चाहिए। अच्छा, क्या करना चाहिए अगर आप इतने अरसे से अगर आप नहीं चल रहे और आप नहीं हो रहे कंसिस्टेंट, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको मैनेजमेंट को नहीं कहना चाहिए कि भाई मुझे थोड़ी देर बिठाओ, किसी और को ट्राई करो, मुझसे नहीं हो रहा? मतलब इसमें क्या है, ये कोई प्रॉब्लम की बात है? आई थिंक मैनेजमेंट या कोई और बताए, मैनेजमेंट को तो जरूर इन पे बिलीव तो है कि ये करेंगे, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस ना ही आती, तो आई थिंक आप थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं, ऐसे खुद भी कह सकते हैं कि यार मैं एक दो मैचेस रेस्ट लेके मुझे किसी और को ट्राई करें, मैं ज़रा अपने आप पे वर्क करूं। लेकिन फिर भी इतना कुछ देखने के बावजूद, इतने प्लेयर्स को देखने के बावजूद, इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आपके साथ खेलते हैं आके, उनको देखने के बावजूद अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे, इवॉल्व नहीं हो रहे एज ए बैट्समैन, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बैड लक है, बहुत बड़ी बैड लक है। अच्छा, एक मैं सवाल, क्योंकि देखिए मैं तो आम आदमी हूँ ना, मुझे तो क्रिकेट के बारे में ज़्यादा पता नहीं, तो अगर आप आसिफ की जगह पाकिस्तान टीम में अगर आप आज़म को खिलाएं तो क्या ये बहुत गलत बात होगी? देखिए मैं किसी की जगह नहीं, लेकिन एज ए आज़म का उस नंबर की बात, उस नंबर पर अगर आज़म का, मैं तो खुद फ़ैन होता जा रहा हूँ, ठीक है, पर्सनली, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स खेलता है, उसकी गेम अवेयरनेस बहुत बेहतर है, 360 खेलता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें फिर इंपॉर्टेंट आती है गेम अवेयरनेस, ठीक है, कि कब आपने शॉट लगाना है, कब आपने बड़ा ओवर लेना है, जिससे शुएब मलिक की अक्सर हम बात करते हैं शुएब की, कि उनको पता होता है कि यार मैंने कौन से ओवर में 15 से 20 रन लेने हैं, उस 15 से 20 रन लेने से मेरा पूरा मैच बन जाएगा, सही बात, तो उस पर उसकी वजह से वो अपने आप को पूरा टाइम देते हैं, तो ये चीज़ आज़म में मुझे नजर आई है कि वो वेट कर सकता है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी होता है कि बैट्समैन के अंदर ये है उसके कि मैं वेट के मसले ज्यादा डिस्कस होते हैं, जो वो वेट कर रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। रख लिया।
रख लिया। किसने रख लिया भाई? भाई ये इंसान हमारा एडवांस वापस नहीं कर रहा था, हमने उसको अपना बॉस रख लिया। जब आप कुछ कर ना सके तो फिर बंदा ऐसे ही करता है। और नहीं तो ये बातें नहीं मान रहे थे तो हमने कहा इनको अपना बॉस बना लेंगे। कौन सी बातें तुम इनसे मनवाना चाह रहे थे? अरे कोई बातें नहीं मानते, ना कोचिंग के लिए आते हैं, ना नेट पे आते हैं, ना मैच पे आते, तो हमने कहा हम आपको बॉस बना लेंगे। मैं ऑनलाइन कोच हूँ आपका। ऑनलाइन कोच? आपने मुझे लैपटॉप नहीं लेके दिया। हाँ देखा, मिकी आर्थर बनना चाह रहे हैं जी जी, या मोहम्मद वसीम, दोनों में से कोई एक। हाँ लेकिन हम बता रहे हैं, चीजें भूल जाते हैं तो हम इनकी चीजें लिख कर लाए हैं ताकि हम इनके, हम हमारे बॉस है ना ये, तो हम इनको चीजें बताते रहेंगे। गजनी बॉस? गजनी बॉस है ये हमारे जी। अच्छा, क्या लिख के लाए हो भाई? वो राणा साहब ने एक अजीब बात कर दी आज। कौन राणा साहब? राणा साहब जो है हमारे लाहौर वाले। अच्छा, लाहौर के जो मालिक है, ठीक है। वो कह रहे हैं हमने बहुत सारे लड़के दिए हैं, ये इनकी, ये पाकिस्तान टीम चला रहे हैं। कौन से लड़के, किसको दिए? अब ये तो बताएंगे हमारे बॉस बैठे। बॉस ने देखा? बॉस आपने देखा ना? नहीं नहीं, आज वो टीवी में बोल रहे थे काफी ना कि पीडीपी की वजह से, क्योंकि उनसे पूछा जा रहा था कि एकदम लाहौर कलंदर को क्या हुआ, ठीक है। तो आई थिंक वो कहना चाह रहे थे कि हमारे जितने पीडीपी प्रोग्राम चल रहा है उसकी वजह से जो है ना, हमने पांच छह साल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, जो कि बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। आई थिंक काफी टैलेंट उन्होंने जरूर ऊपर लाए, लेकिन जो लिस्ट उन्होंने गिनाई ना, आई थिंक वो उनके नहीं है प्लेयर। नहीं देख, वो ऑलरेडी सिस्टम में थे, वो सिस्टम में थे एज इमर्जिंग प्लेयर। हम अपना काम कर रहे हैं, आप करें, आप बॉस हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। अच्छा, जैसे शाहीन अफरीदी हो गए, फखर जमान हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, ये सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद थे, पीसीबी के सिस्टम में थे, और एज इमर्जिंग, कई प्लेयरों को एज इमर्जिंग लिया, किसी को कैटेगरीज में। वैसे आप किस सिस्टम में थे? मैं तो केड़ा सिस्टम है, जेड़ा सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम। अच्छा, आप उसी में थे। आपने मैट्रिक किया है ना? मैट्रिक सिस्टम, उस वाले का पूछ रहे हैं, पढ़ाई वाले। अगर मैं कहूँ नहीं किया फिर? नहीं नहीं, हम माने नहीं सकते, आप बॉस हैं हमारे। नहीं, बॉस है तो बॉस इज ऑलवेज राइट ना। यस सर, उन बॉस ने बोलन दो। अच्छा, तो सिस्टम में थे तो वो ऑन कर रहा है। अच्छा, कोई अगर ऑन कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? फिर आई थिंक अपने प्रोग्राम को जरूर क्रेडिट दें, यू नो देयर इज, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। तो वो क्या करें, हमने लड़के नहीं दिए, हमसे गलतियां हो रही हैं। नहीं नहीं, एक लड़के उन्हीं के थे, उन्होंने मतलब के पीडीपी के नहीं थे, लाहौर ने उठाए, उन्होंने परफॉर्म किया। अब इस तरह तो हसन अली है जैसे, उसको जलमी कहेगी हमने बना दिया। भाई पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, अजहर भाई के नाराज हो गया। अरे देखिए, शो में इतना एक दफा नहीं बोले, एक साथ पानी लाओ बॉस के लिए। लेकिन देखिए एक बात है, राणा साहब को एक क्रेडिट जाता है, उन्होंने उस दिन कराची को जो मैच जिताया है ना, कम से कम उसके लिए तो। मैं उस दिन गया हूँ मैच में, उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है, हम लाहौर वाले ही हैं जो आपको पहली जीत दिलवा पाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम शुक्रिया अदा करते हैं लाहौरियों का। अच्छी बात, अभी हम लाहौर जा रहे हैं, पता नहीं हमारे साथ वहाँ पे क्या होने वाली। नहीं नहीं, उम्मीद है कि वो वहाँ भी हमें जितवा ही देंगे। पक्की बात है, ऐसा लगता है? ऐसा हमें लगता है। अच्छा, बहुत देर से हम काफी मर्द मर्द बात कर रहे हैं आपस में, कहाँ कह रहे हो? अच्छा, तुम परेशान हो? बॉस हम थोड़ी देर के लिए रिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, की रौनक बढ़ा दीजिए प्लीज। भाई आगे बढ़ते हैं, देखिए क्रिकेट की बातें तो चलती रहेगी, मैच चल रहा है इस वक्त लाहौर का और इस्लामाबाद का, लेकिन हम चल रहे हैं अपनी गेस्ट की तरफ, और क्या वो गेस्ट हैं, क्या वो गाती हैं, क्या वो परफॉर्म करती हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान में इससे ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ पिछले 10 सालों में हमने नहीं सुनी। प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली आयमा आदमे। तालियां होनी चाहिए आयमा के लिए। आयमा, आराम से भाई, आयमा के लिए एक बार फिर भरपूर तालियां होनी चाहिए। बेटा ये क्या तुम फेरे ले रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? अरे नहीं, वो आजकल चल रहा है ना, गोल गोल कैमरा घूमता रहता है, हमें यकीन नहीं आ रहा है। अच्छा, पास से कैसी लगती है? नोचे नोचे। यही है ना? यही आई है फिर तो। बिल्कुल ऐसा ही है, इनकी हील भी ऐसे ही लगेगी तुमको थोड़ी देर में। That's true, वो आपके लिए है, आपसे थोड़ा फॉर्मल है वो। हाँ चलो, अच्छी बात है। अच्छा भाई आयमा, आयमा ये लड़का जो है ये आपका बहुत बड़ा फैन है, और इतने लड़के आपके फैन है, हर लड़का आपका फैन है, किसी एक से तो जिंदगी में शादी करनी ही है, तो वो जरूरी है? नहीं नहीं करनी शादी, जरूरी होता है? नहीं नहीं, हमें तो किसी ने बताया नहीं कि ऐसे, जरूरी नहीं था, हमसे तो करवा ली लोगों ने शादी। एग्जैक्टली, आपसे तो करवा ली। भाई देखिए, शादी होगी तो फिर बच्चों के नाम रखेंगे ना, अजहर, फाहद, कामरान, साहिर, फैजान, बाबू। हाँ हाँ, फैजान भी रखेंगे। फैजान भी रख दीजिए, क्योंकि हम तो बाबू है ना। अरे वाह। ये पहली दफा हुआ है कि चीते ने अपनी खाल खुद उतार के दी है कि आप पहन लीजिए। अच्छा, और कुछ आयमा देखना है, नहीं देखना है, इस आदमी की मुस्कुराहटें आज चेक करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब जब हमारे शो पे मर्द आते हैं ना, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है।
सोफे से उठते ही नहीं है, घुटने खराब हो जाते हैं, गर्दन में कमर में सारी इंजरीज हो जाती हैं, सारी इंजरीज उसी दिन होती हैं। आज आप देखिए चेहरे पे रौनक। ये जो आप आपको बचाते हुए लेके आए ना, मेरे से बचा रहे थे। अच्छा, ये आपसे बचा रहे थे। ओके, अच्छा भाई आयमा यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त इस्लामाबाद के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, मैच काफी बर्बादी की तरफ जा रहा है। आयमा थोड़ी सी जरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है। आयमा, गाने पीएसएल के धड़ाधड़ तुमने इतने गाए, आज तुमसे हम पीएसएल के बारे में बात करेंगे। क्रिकेट कितना जानती हैं आप क्रिकेट के बारे में? देखिए इतना जानती हूँ कि कोई जीतता कोई हारता। भाई वाह, क्या बात है। और एक और बात भी जानती हूँ कि जब पाकिस्तान जीतता है ना, तो उसको मैं सेलिब्रेट जरूर करती हूँ, चाहे कोई जीते ना जीते। जब पाकिस्तान जीतता है आई सेलिब्रेट। अच्छा मुझे बताओ कि LBW का क्या है एब्रीविएशन, किस चीज का है LBW, किस चीज का एब्रीविएशन है, जरा बताना। LBW। हाँ जी, बहुत आसान है, आईमो। अच्छा, ये लाहौर से कुछ रिलेटेड तो नहीं है, हो सकता है, यू नेवर नो, एनलाइटन अस, जरा हमें बताओ ना। आप देखिए पीछे हंसे मेरे पे, मेरे पे हंसे, तुम्हें देख के शर्मा रहे हैं, और कोई मुद्दा नहीं है उनका, छोड़ दो। अच्छा, LBW LBW लाहौर। भाई वाह, नहीं अच्छा, गलत हो गया ना, पूरा पूरा हो गया लाहौर। अच्छा, तुमने ये जवाब मान लिया तुमने? नहीं, लाहौर भाई वाह, पूरा लाहौर भाई वाह, क्या बात है, लाहौर भाई वाह, ऑफ कोर्स बोरे वाला भी हो सकता है, बोरे वाला, एग्जैक्टली लाहौर भाई वाह। अच्छा आयमा, कब करोगी शादी, चलो ये बता दो हमें। बस अभी ये शो खत्म हो जाएगा तो फिर बस इसके बाद। आपको जल्दी कहा है, एमओ से ज्यादा पर्सनल सवाल। आप लोग सारे तैयार भी हुए हैं, सब मैं सारी टीम को साथ लेके है ना। तुम्हें गवाह कितने चाहिए ये बताओ? गवाह जितने जितने सारे भाई, सारे सारे गवाही के लिए चलेंगे, सारे गवाह हमारी तरफ के तो दो ये हो गए ना। अच्छा तुम एक मिनट चुप करो, मुझे उससे कुछ सीरियस बातें करनी है। जी जी। अच्छा मुझे आया बताओ, लड़का कैसा हो? यार मैं क्या बताऊं कि भाई लड़का कैसा हो, यार इसमें क्या प्रॉब्लम, भाई लड़का पूछना चाहिए ना कैसा हो। गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, दुबला हो, पतला हो, बहुत गोरा ना हो, बहुत गोरा ना हो, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, बहुत गोरा सही है, हम अगर बेस हटाते तो हम भी ऐसे ही हैं। मैं बेस के साथ भी कभी गोरा नहीं लगा। बंद करके इमेजिन करो कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा कैसा है? वाओ, आंखें बंद कीजिए ना एमओ प्लीज। जी आंखें बंद कर ली मैंने, और दूल्हा आ रहा है, मेरा मुंह इस तरफ है, एमओ दूल्हा आ रहा है। कोई स्पेसिफिकली अब तो मेरी कोई वो नहीं है, लाइक आई वुड से इन द बिगिनिंग आई'ड बी लाइक नहीं 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 ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये चीज भी होनी चाहिए। अच्छा ह्यूमरस हो, ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसका तो वो ठीक नहीं, तुम बेटा उठो जाओ घर जाओ, तुम्हारा काम पूरा रहेंगे शो के एंड तक कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है ना वो चीज, ह्यूमर की बात हो रही तो किस्सा वहीं मुक गया, अब खत्म हो गया मामला। एमओ ऐसा नहीं करते, देखो कभी भी किसी पे भी दिल आ जाता है, जिंदगी पे भरोसा रखो। नहीं नहीं ये मैं मानती हूँ कि कभी भी किसी पे भी दिल आ जाता है, ऐसा ही। अरे वाह क्या बात है, वही वाह। सिद्रा का क्या होगा? अच्छा यार सिद्रा का जिक्र मत किया कीजिए जब कोई खातून बैठी होती है, प्लीज। नहीं तो भाई एक मिनट, मुझे एक मुद्दा जरा क्लियर कर लेने दें। जी जी। अच्छा ये अरेंज होनी चाहिए शादी या ये लव मैरिज होनी चाहिए? अच्छा अगर अरेंज भी अम्मा अब्बा ने अगर अच्छा लड़का देख लिया हुआ है, ठीक है, और उसमें कोई खराबी नहीं है तो खराबी मतलब टुंडा बुंडा नहीं है, कोई इस तरह का मसला नहीं है। Exactly. एक पहिया पे बाइक चला रहा होता है क्या? हाँ, और क्योंकि माँ बाप तो कभी बुरा चाहते नहीं होते बच्चों का। Absolutely, wow. Absolutely. तो वो हमेशा कुछ अच्छा देख के फ्यूचर को देख के रिश्ता पक्का करते, तो आई डोंट हमारी अगले पी एस एल में खेलेगी, हमारी बात हुई भी है, अजहर अली हमारे कोच है। वाकई ऐसा है? ये आपने इसमें पॉज क्यों लिया अजहर अली? अच्छा एक मिनट, एक मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या करते हैं भाई? ये क्रिकेट एक्सपर्ट है आई थिंक अजहर भाई। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट एक्सपर्ट के लिए ठीक है। अच्छा अभी रिटायर हो चुके हैं, इनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा मेरी बात गौर से सुनिएगा, लड़के के बारे में तो आपने ज्यादा हमें बताया नहीं, क्लियर हो गया मामला, ठीक है कोई बात नहीं। तो शादी डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए या फिर यहीं लोकल होनी चाहिए?
अच्छा वैसे तो इन द बिगिनिंग मैं समझ रही थी कि अच्छा नहीं व्हाट इज इन द बिगिनिंग अभी भी इट्स लाइक बिगिनिंग आई गेस इन लाइक यू नो व्हेन यू लाइक हिटिंग योर 24 25 तो अब क्या 26 पे आ गई होगी तुम नहीं मैं आप नहीं मैं इस 10 मार्च मैं इस 10 मार्च को 28 साल की हो जाऊंगी ओह माय गॉड भाई पहली लड़की 28 की ब्रेकिंग न्यूज आई एम अवेक इस बार 28 साल की होंगी अब देखते हैं 28 साल की कितने साल के लिए रहती हैं ये चेक करने वाली बात है 28 की है तो हम 34 से 6 साल का गैप बहुत मुनासिब रहता है हमारे ख्याल 34 34 कितना होता है 34 होते हैं 34 हां बिल्कुल ठीक है अच्छा पंजाबी में 34 को क्या कहते हैं पंजाबी में ये तो है ही ऑलरेडी पंजाबी नहीं अजहर भाई बैठे ना अजहर भाई आप ही तो बताइए कि क्या बोलते हैं 34 पंजाबी नहीं है 34 पंजाब भाई वाह क्या बात है यार मेरे से इतने मुश्किल सवाल क्यों कर रहे हैं आपको पता है कि इन सवालों का जवाब इसको नहीं आता आसान वाला कीजिए यार मैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग का सवाल कर रहा था कि 34 पे क्यों सॉरी हिसाब किताब में खो गए हम हां तो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है या फिर क्या हो रहा है अगर वेडिंग हुई ना अगर हुई ना अगर अगर लड़कों अभी उम्मीद बाकी है हौसला नहीं हारना है आप लोगों ने अभी तो बहुत गाने आने मेरे अच्छा एनीवेज अभी तो आपके ड्रामे में भी काम करना अरे वाह क्या बात है ये अच्छा है ये अच्छा है जो आता है ना आपसे एक ड्रामा लेके ही जाता है ये अच्छी बात है अच्छा ये वो वाहिद लड़की है जिसको मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ कि ड्रामा करना है ये मुझे हमेशा कहती है मुझे ना कुछ बहुत अच्छा ड्रामा करना है अच्छा और स्क्रिप्ट भी भेज देता हूँ मैंने क्योंकि रियल लाइफ में इतने अच्छे ड्रामे किए हैं कि मैं सोचती हूँ कि मुझे अच्छा ड्रामा चाहिए रियल लाइफ में फिल्में की भी फिल्में की भी क्या अच्छी बात है वैसे आपको पता है हमने थिएटर भी किया हुआ है हां थिएटर किया आपने जी मैंने थिएटर कितने साल थिएटर किया आपने 2 इयर्स क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम चल रहा था तब आई हैव डन बैचलर्स इन फिल्म एंड टेलीविजन तो उनका एक था कि अच्छा चले थिएटर करते हैं तो उसमें मैं काफी एक्टर्स से मिली जो कि अब बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स हैं हमारे कौन है वो बड़े-बड़े एक्टर भाई काफी हैं जैसे मैं बड़े कह रही हूं एक तो नाम लो एक्टर ही बने नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यासिर हुसैन को भी मैंने देखा यासिर हुसैन ऑफ कोर्स यासिर इज अ ब्रिलियंट एक्टर बहुत जबरदस्त जी तो और इसके अलावा बस एक ही निकला बड़ा नहीं 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 और भी थे वो जरा बड़ी एजेस के थे उन्होंने बड़ा कुछ सिखाया भी जैसे हुमायूं सईद नहीं वो नहीं मिले हुमायूं का नाम मत लिया करें हमारे सामने सॉरी वो तुम्हारी चिड़ चोट सी लगती है हमें अदनान सिद्दीकी थे नहीं सर वो भी नहीं थे वो भी नहीं थे लाइक लेकिन जितने भी एक्टर्स थे ना मैं उन सबको अपना सीनियर्स कंसिडर करूंगी क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ लर्न किया ऐसे ही है इवन दो कि ठीक है उनकी शक्लें नोन नहीं थी एंड ऑल दैट लेकिन उनका काम तब नोन नहीं थी ना भाई हां लेकिन काम ऐसा था कि भाई मुझे गूज़बम्स आते थे बैठे बैठे कि सच ग्रेट एक्टर्स सच अमेजिंग इमेंसली टैलेंटेड एक्टर्स क्या बात है अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं हमेशा जानना चाहता हूँ यू डू सो मेनी कॉन्सर्ट्स ऑल द टाइम हमेशा अक्सर हम देखते हैं कि सिंगर्स के साथ कोई ना कोई एक मामला हो ही जाता है कभी लड़के कोई बदतमीजी कर देते हैं कभी कुछ मसला चल रहा होता है एंड देन सिंगर इन द मिडल अचानक से गाना रोक के जो है फिर उनको एक डांट पिलाता है उसके बाद फिर दोबारा तो यहीं से पिक करेंगे और फिर से यहीं से गाना शुरू करेंगे तो कैसे हैंडल करती हो बिकॉज ये चीजें तो होती हैं बहुत ज्यादा ना मैं तो आराम से यू नो व्हाट शायद शुरू के कॉन्सर्ट्स में मैं थोड़ी सी डरी हुई होती थी पर अब तो आई एम लाइक यू नो व्हाट वैसे तो पहली बात ये कि अब लोग बहुत प्यार देते हैं अच्छे हो गए हैं अब बहुत प्यार हाँ प्यार बहुत देते हैं ठीक है यूजुअली लोग जो हैं वो मैं अब ऊपर से इस तरह हो रहा था कि नाउ व्हेन आई गेट ऑन द स्टेज आई एम लिटरली लाइक लुकिंग कि कोई कुछ गलत कर तो नहीं रहा या किसी मतलब वॉचमैन की जॉब कर लेती हूं हां लिटरली कोई किसी के साथ बदतमीजी फैमिली के साथ ना हो रही हो कोई किसी को इस तरह धक्का ना दे रहा हो और अगर मैं इस तरह हो रहा हो एंड व्हाइल आई एम सिंगिंग आई वुड स्टॉप द सॉन्ग ओके एंड आई बी लाइक कि यहां पे बदतमीजी हो रही है हां अगर कोई मेरे साथ कर रहा है तो फिर तुम उसको जवाब वापस देते हो फिर मैं घर छोड़ के आती हूँ परेशानी की जरूरत नहीं है अगली दफा हम आपके साथ चलेंगे देखते हैं कौन बदतमीजी करता है आपसे वैसे एमओ एक बात बताइए कुछ दिन पहले ना आपने एक स्टेटस लगाया था हमारा दिल टूट गया था ऐसा क्या बोला मैंने? आपने कहा कोई फूल ला के नहीं दे रहा आप हमें बोल देती डायरेक्ट हम ला देते ऐसा है पहली दफा इट्स फनी नॉट दैट आई कंसीडर वो वैलेंटाइन डे कोई बहुत स्पेशल डे है क्यों नहीं नहीं है क्या है इस दिन नहीं में है? क्या ऐसा है क्या इस दिन में ठीक है अच्छी बात ठीक है ना जो कपल्स हैं वो तो कपल्स हैं ना मजबूरी है उनकी हाँ, तो उनकी मजबूरी है देना तो एक फूल तो देना पड़ता ही है लेकिन मेरे तो किसी दोस्त ने मुझे नहीं दिया और मैंने अगले दिन लाइक अगले दिन मैंने अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस किए कि मैंने कहा यार तुम लोग इतने बेशरम हो कि मुझे एक भी फूल किसी ने नहीं भेजा और ना ही विश किया तो मुझे अगले दिन बहुत सारे फूल आए अरे फूल लेके आओ वाओ
अच्छा भाई इसका पैसे हम बाद में दे देंगे। कसम से ये खुद उन्होंने देना था लेकिन तुम छीन के उनसे ले आए हो। वो तो सरेंडर के लिए लाए थे सफेद वाला। अच्छा वैसे सबसे अच्छा किसी का नाम नहीं लेते, सबसे अच्छा वैलेंटाइन जिंदगी में तोहफा किसी ने दिया बहुत जो आज तक याद रहे। फहद मैं इतनी अनलकी रही, इतनी अनफॉर्चुनेट रही हूँ ना इस मामले में व्हेन इट कम्स टू गिफ्ट्स। मैं भी मुझे आज तक कभी किसी ने इतना अच्छा, तो मैं बहुत अच्छे तोहफे देती हूँ लाइक मैं मशहूर। मुझे पता लोग आगे से एक्सक्यूज क्या देते हैं, यार तुम्हें हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम इतने अच्छे देती हो, फिर हम सोचते हैं कि यार तुम्हें छोटा सा कोई तोहफा दे के हम क्या करेंगे। आई एम लाइक अच्छा बड़ा तेज मतलब सही जवाब था। आई एम अ बेक को आज तक वैलेंटाइन पे किसी ने कोई तोहफा नहीं दिया ऐसा सच है। हम देंगे आई एम अगले साल से हमारी। लड़कों अगर आप देख रहे हो तो यू कैन विन दिस गर्ल ओवर, सिर्फ आपको बहुत ही कुछ स्पेशल तोहफा देने की जरूरत है। कहीं जाएंगे बस बहुत ही इंटरेस्टिंग फूल भी काफी है, एक फूल बाग से फूल तोड़े और मुझे भेज दे। नहीं ऐसा नहीं करो, थोड़ा सा जरा मेहनत करने दो लोगों को। हम अभी ब्रेक से वापस आएंगे द फोर्थ पार्ट शो, कहीं जाएगा मत, विल बी राइट बैक। Welcome back to the Fourth Empire Show. हमारे साथ हैं आयमा बे। आयमा, latest crush cricketers में से कौन है? पुराने भी चलेंगे। हाँ मैं कहने लगी थी actually. All time favorite. कौन? Not gonna lie, वसीम अकरम। वसीम, क्या बात है? क्या बात है वसीम भाई? बहुत अच्छे। मतलब अच्छी जान छुड़ा ली। और इमरान, actually you know what? When he was a player, Imran Khan. Imran Khan, of course, no doubt. जोर जो था when he was a player पे था। हाँ मतलब उसी पे। I mentioned it when he was a player। अच्छा मुझे बताओ तो नए वाले जो हैं बेचारे वो बिल्कुल इस रेस में है ही नहीं, उनका कोई थोड़े नए थोड़े से पुराने दरमियाने वाले भी नहीं है बिल्कुल, कोई भी नहीं हमें लग रहा है। देखिए मैं किसी को फैन नहीं करना चाहती किसी की भी बीवियों को, सबकी शादियां हो गई हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी हमारे हैं कुछ हमारे हैं, सब अपने घरों में खुश हैं, मैं चाहती हूँ खुश रहे। आजम खान कमारा है। हाँ हाँ बिल्कुल। दहानी हमारा कंवारा है। ओके और कौन? बाबर आजम कंवारा है। ये तो मतलब मेरे लिए आप लोग रिश्ता वाली आंटी बने हुए हैं आज। हाँ। सारे हम लोग खाले बने हुए हैं। ये लोग हम नहीं, ये लोग। अच्छा तो लाइन में खड़े कोई नए में कुछ बिल्कुल भी नहीं, मतलब आप क्या कह रहे हैं, क्रश की बात कर रहे हैं? मतलब अच्छा कौन लगता है थोड़ा बहुत ऐसे देख के यार? वेरी नाइस। वेरी नसीम शाह As I always say, I lost a commercial to Naseem Shah recently, so he's the one. वही है सारे नुकसान पहुंचा रहा है। Actually एक और भी है लेकिन मुझे उनका ना नाम याद नहीं आ रहा। हम तुम्हें याद दिलाएंगे। अज़र अली। उनकी वाइफ बहुत प्यारी है। उनकी वाइफ ही प्यारी है। अच्छा वो ये कौन है भाई? एक है लेकिन I think he's retired or something, I don't know. अज़र अली ये वाह वाह ये तो आप ही लग रहे हैं मुझे। ये अब मेरी तरफ है ना? नहीं भाभियां तो सारी प्यारी हैं भाई। हाँ, अच्छा भाई तुम्हारा क्या मुद्दा है, तुम क्यों खड़े हो? भाई हमारे बॉस भूल जाते हैं उनको याद कराने आए। फियांसे तो है ना यार, आपसे बात कर रहे हैं आप चीजें भूल जाते हैं। शुरू में आपने सवाल लिखवाया तो फिर आप भूल गए। क्या सवाल है? मैंने क्या लिखवाया है भाई? आपने कहा था ना कि ये चीजें नोट कर लो, हम नोट कर रहे थे, हम बॉस के साथ खड़े होते हैं जब मैच चल रहा होता। अच्छा मुझे बताएं कि रमीज राजा जी जो हैं। जी रमीज राजा जी। राजा जी मैं क्या राजा जी वो पहले क्रिकेटर थे। जी जी वो पहले अच्छे होते थे। नहीं कह रही है वो पहले क्रिकेटर कहते तो यही है थे। वो भी अच्छे भाई रमीज भाई क्या बात है। वैसे आपने सलीम मलिक को नहीं देखा कभी? खूबसूरत आदमी है। वो भी उन्हीं के साथ खेलते थे। मतलब वही ना लाइक मैं एजाज अहमद इतने खूबसूरत, अताउर रहमान, ये सारे क्रिकेटर तो नहीं है। ये क्रिकेटर तो नहीं है। देखो वो इतनी पुरानी नहीं है ना। अब्दुल रजाक मुझे बिल्कुल याद है और मुझे एक्चुअली आई एक्चुअली लाइक्ड हिम टू। अब्दुल रजाक ऑफ कोर्स। और वो मुस्तकीम इंजमामुल हक भी। अरे वाह। अब पता है क्या, अब आप झूठ बोल रही हो, पता चल रहा है। नहीं, अब जानबूझ के अब छोड़ा सा बोल नहीं, नहीं मुझे याद आ रहा है। शायद अफरीदी आपको याद नहीं आया अभी तक? शायद अफरीदी सर। ये देखो शायद अफरीदी। अच्छा रमीज राजा जी और शायद अफरीदी भाई वाह क्या बात है, क्या बात है भाई। तुम्हारे पास कोई सवाल है कुछ? अरे हम कप्तान को याद दिला रहे हैं अपने, ये भूल जाते हैं बार बार। याद दिलाने सवाल आपने करना है, मैं कैसे भूल गया भाई? बाबर आजम ने 15 मैचों में कप्तानी की है, उसमें से 12 मैच हारा हुआ है। हमें लगता है कि उसके कप्तानी में थोड़े मसाइल आ रहे हैं, बहुत सारा बताइए ना। नहीं मेरे ख्याल कप्तानी में मसाइल सच नहीं है, बट समटाइम आपको टीम
भी यू नो जितने आप अच्छे कप्तान होते, जितने अच्छी टीम होती है उतने ही अच्छे कप्तान होते हैं, ठीक है। तो मेरा पर्सनली व्यू है कि समटाइम टू मच हो जाता है कि आप पाकिस्तान की भी कप्तानी कर रहे हैं यू नो हर तीनों फॉर्मेट में, फिर आप PSL में यू नो टीम्स की कप्तानी कर रहे हैं जो कि शायद उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, ऐसा ही है। तो समटाइम आपको यू नो एज ए कैप्टन आपको मेंटली ब्रेक भी चाहिए होता है। तो आई फील के यू नो मशवरा है कि बाबर को जो है ना PSL एज ए प्लेयर खेलनी चाहिए और रिलैक्स होकर खेलना है ना, एंजॉय करनी चाहिए। असल में हमारे बॉस चाह रहे हैं कि किसी एक फॉर्मेट का कप्तान इनको दोबारा बना दिया जाए। भाई अब मैं किसी फॉर्मेट का कप्तान नहीं हूं। अच्छा एमा, PSL में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं आप? मैं PCB के साथ काम करती हूं, तो मैं तो यार ये देखो यार सॉरी ये देखो मैं तो बायस्ड हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप जीता है जो एक दफा जिंदगी में जीता है वो कब जीता है? एक्सक्यूज मी, नहीं नहीं दो दफा जीता, कैसी बातें कर रही हैं? खुदा की बंदी पाकिस्तान दो दफा जीता, अच्छा कब जीता? चलो पहले वाला बताऊं, वो कब जीता? 92 में। 92 में, क्या बात है भाई, एक तो याद हो गया, थोड़ी सी दूसरे वाली की फिर, याद फिर, कर लो। फिर मुझे इतना भी पता है कि T20 में भी वो कुछ जीते थे, वो वर्ल्ड कप भी था, वो भी यही था ना, तो आई थिंक आइदर इट वाज 2009 और 2009। वाओ एमो वाओ, देखो सो प्राउड ऑफ यू। लड़की को जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली समझ गया, आहिस्ता सब वापस आ रहा है, इनको भी बॉस रख लेंगे, मुझे है ना, इनको भी बॉस रख लेंगे, सेम मसला चल रहा है, मसाइल सेम ही है। अच्छा आयमा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, आपने देखा होगा, क्या खेलती हैं? क्रिकेट खेलती हैं बहुत सारी, तो काफ़ी मुश्किल उनको आती है, क्योंकि एक बात मेरी हो रही थी किसी प्लेयर से, मैंने उससे कहा कि जी जीतो पाकिस्तान विदाउट ऑडियंस करना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, एंड शी सेड के फाद भाई हमने तो अपना सारा करियर जो है वो विदाउट ऑडियंस ही खेला है, सो इट इज़ सो डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट इन दिस कंट्री। लड़कियों को मुश्किल होती है गाने वाने में भी जब आप म्यूजिक में आगे आते हैं? आई एम श्योर कुछ तो आपने आई बिलीव कि अगर आपको पहले दिन से ही ऑडियंस नहीं प्रोवाइड की गई देन आई थिंक यू गेट यूज टू इट, और अगर आपको अचानक ऑडियंस में बिठा दी जाए तो देन यू गेट नर्वस, बट विद अस बिकॉज हमारा तो काम ही यही है कि अच्छा ऑडियंस इकट्ठी होगी तो हम जाएंगे स्टेज पे, तो अगर ऑडियंस ही नहीं होगी हमारे लिए लाइक फॉर सिंगर्स हम कहेंगे ऑडियंस भाई, लेकिन ऐसी आवाज हो तो ऐसा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्यों हो गया? अस्सलाम वालेकुम, मैंने सुना आपने कोई सिंगर बुलाई आज? अरे गिर क्यों रहे हो भाई, एक ही दफा गिर जाओ ना, एक ही दफा गिर जाओ, किधर गिरे हुए हो तुम तो? सिंगर गेस्ट गेस्ट, हाँ यस सिंगर, ये रही सिंगर, सिंगर कैसे आप? मैं सही तरह तारुफ नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या चाहते हो? मैं इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू किसका करना है? क्वेश्चन करना है, वो जो आपकी गेस्ट है आज, तो बोलो ना, लड़की का इंटरव्यू करना है। आ भाई ताली, आ भाई, आ जाओ आ जाओ भाई, ये एक हैं बेचारे, इनको कोई चैनल बिठा नहीं रहा, इन्होंने अपना चैनल बना लिया। अच्छा, ये देखो ये टीवी ऐसे, ये ऐसे हैं। हाँ भाई क्या चाहते हो? मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आप, एक होता है यूट्यूब, एक होता है माई ट्यूब, ये वहाँ पे माई ट्यूब। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, ठीक है, वो जो है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ सिंगर वो सिर्फ वही हैं, ठीक है, उन्होंने जितने गाने गाए हैं ये उन्हें भी नहीं पता कि उन्होंने कितने गाने हैं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? पाकि ये जितना प्यारा गाती हैं उतनी प्यारे ये दिखाई भी देती हैं। मेरे साथ मौजूद है नसीबो लाल। बात सुनो, एमू बैठी हुई है, तमीज से बात करना। इनका नाम एमू है? इनका नाम आयमा है, हम प्यार से एमू कहते हैं, और ये तो तुम पड़ोसियों का दस्तरखान पहन के आ गए हो ना, बहुत मारेंगे। यस यस, आई वांट टू आस्क यू, अंग्रेजी में हमें लकवा हो जाएगा। जी जी, सम पीपल सेज दैट यू डोंट नो ए उर्दू, जाओ। नहीं नहीं, मेरी उर्दू बड़ी खालिस है, मेरे से बात करके देखें। नहीं नहीं, आप उर्दू भी ऐसे बोलती हैं जैसे ना इंग्लिश बोल रही हो, तो ये क्यों फील होता है? ऐसा आपको लगता है? यस यस यस, फहद आपको ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसे लोगों को लगता है ऐसे जिनको समझ नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं लगता, आप बिल्कुल सही है ना। आप चले मेरे से सिर्फ, अब आपने उर्दू में खालिस, वो भी खालिस उर्दू में बात कर, उसका मसला है अपना, उर्दू में फंस जाते हो तो पंजाबी बोले ना, उर्दू भी इंग्लिश लग दी है। चलो भाई कोश लो, पूछ लो। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं एक सवाल गोश गुजार करूं। ओ माय गॉड, गुड कमबैक, गुड कमबैक। अर्ज करें, प्लीज अर्ज करें। अच्छा, आपके ना तकरीबन 5 मिलियन से ज्यादा फैंस हैं, वो जानना चाहते हैं। मैं नहीं, 5 मिलियन फैंस। ओके, आप आजकल सिंगल हैं कि नहीं? अरे मैं आजकल सिंगर हूं कि नहीं? सिंगल सिंगल सिंगल, मैं आजकल सिंगल। भाई वाह क्या बात है,
वैसे ये मुश्किल होता है ऐसे 5 मिलियन लोगों को पता चल जाए कि आई एम अ सिंगल है, तो बहुत सारे मैसेजेस तो आते होंगे। देखिए थोड़ी बहुत गलती जो होती है ना वो आर्टिस्ट की अपनी भी होती है कि वो अपनी लाइफ को इतना पब्लिक करें क्यों। क्या बात है, क्या बात है। मैंने ये चीज लर्न की है कि अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को जितना अपने तक रख सकते हो प्लीज रखो। अच्छा, पछताया हाँ है ना, अब आगे से जिंदगी में अल्लाह करे तुम बहुत खुश भी रहो। मैं खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब किसी भी रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोशिश करोगी कि उसको यू विल ट्राई एंड कीप इट प्राइवेट, या फिर मैं डायरेक्ट जाऊंगी मस्जिद और निकाह करूंगी और फिर एक हाथ की अंगूठी का पिक्चर लगा दूंगी कि भाई निकाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एमओ कल हम फ्री हैं, कल ही बस सही, कल मैं फ्री नहीं हूं। गवाह ढूंढ रही है, तुम आ जाना। अच्छा मुझे बताएं आपका ना डिजाइनर कौन है, क्योंकि ना लोगों को काफी एतराज होता है, आप कुछ भी पहन लेना लोगों को मसला हो जाता है। हाँ दैट्स एक्चुअली ट्रू, लोगों को बड़ा मसला होता है। मैं अपनी डिजाइनर यूजुअली तो आई मीन अपने कपड़े में सेलेक्ट खुद करती हूँ, जो आम दिन के कपड़े होते हैं और एंड आई लव देम। और वैसे अभी मैंने ज़हीर अब्बास पहना है ऑफकोर्स। क्या बात, क्या बात। यस, वो जो क्रिकेटर थे वो। हाँ वही हाँ बिल्कुल वही। उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है क्या? हाँ, अब जब लोग ये वाला काम कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं लोग तो। नहीं, जी भाई, इसको जंप सूट कहते हैं ना, जंप सूट। जी इसको श्योर आप जंप सूट कह सकते हैं, क्योंकि दिखने में जंप सूट है, बट इट डज हैव अ सेपरेट टॉप, डज हैव अ सेपरेट बॉटम। तो ये पहन के आप बैठे रहते हैं या जंप करते रहना पड़ता है? यार ये क्या सवाल पूछ रहे हो तुम लोग यार। भाई इसने शुरू किया जंप। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताएं, एक ना बाहर की एक सिंगर है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है कि वो अमेरिका की ना आयमा बेग है, तो आपको कोई एतराज होता है उस चीज़ से? क्या वो उनको लोग छेड़ते हैं कि वो अमेरिका की ना आयमा बेग है? नाम भी तो बताओ। हाँ उनका नाम है आरियाना ग्रांडे। ऐसा है लिटरली? यस यस, उन्हें लोग छेड़ते हैं। तो आपको वहाँ पे जो जितने भी लोग हैं ना वो उसको दूर से छेड़ते हैं। आपको कैसे पता कि उनको? यही तो है वो लोग जो बाहर से जाके छेड़ते हैं। पिक्चर्स है, कुछ है पिक्चर। हाँ दिखाओ दिखाओ भाई, क्या है पिक्चर? हाँ भाई दिखाइए। हम आरियाना ग्रांडे की पिक्चर लगा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स कमिंग, आई हैव नो। नहीं मैं नहीं दिखा रहा, मैं नहीं दिखा रहा। तुम फजूल फजूल हरकतें कर रहे हो, तुम मुझे भी पिटवाओगे खाम खा में। अब तो तुम काम करो। चलो कैसा मसला नहीं। अच्छा मैंने सुना है, ठीक है, कि ना सिंगर है कैफी खलील जी, उनके ना फैंस आपको काफी ना बुरा भला कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, क्या वजह है? क्यों बुरा भला कहते हैं भाई? देखिए आई डू बिलीव के जब मैं गाना पहले भी करने लगी थी तो मुझे मेरी टीम ने भी बोला था कि यार आप गाना कर रहे हैं, बट यू नो व्हाट द स्वीटेस्ट थिंग, कैफी एक्चुअली कॉल्ड मी अप एंड सेड करो नहीं नहीं नहीं, एंड देन आफ्टर द सॉन्ग एक्चुअली वेंट ग्लोबल, ही सेड नोबडी वाज एक्चुअली पेइंग अटेंशन, बिकॉज़ वो बहुत ही नाइस, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, इमेंसली टैलेंट, सिर्फ टैलेंट है वो बंदा और कुछ नहीं है। सो एंड देन उसने मुझे कॉल करके कहा कि आपने जब से कवर किया पीपल यू नो गॉट टू नो अबाउट द ट्रैक इवन मोर, और लोगों ने ओरिजिनल वाला सुना, एंड देन ओरिजिनल तो ओरिजिनल को कोई बीट कर नहीं सकता, बट इट वाज़ अबाउट कि अच्छा मैं ज़्यादा अच्छा गाऊंगी या कैफी ज़्यादा अच्छा गाएगा। मुझे उस टाइम पर लगा कि मुझे ये गाना गाना चाहिए, दिल से निकल रहा था, मैंने गा दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी को पसंद आता या नहीं आता, मैंने अपने लिए गाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, हमेशा। कोई म्यूजिक नहीं बचेगा, सिर्फ 2-4 जुमले जो है ना हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे प्यार तो हुआ ही था ना फिर। जी जी बिल्कुल, चले जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अ बे। अब तो मैं नर्वस हो गई हूँ। रियली? या आई एम एक्चुअली। थोड़ा सा आपका तो अपना ड्रामा है यार, क्या बात। अरे खैर हो गई। आपने कैफी ने सबसे पैसे कमाए। अच्छा उसकी मैं 4 लाइनें गा देती हूं। ठीक है ठीक है। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में, कितना फसाना हुआ तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा जमाना हुआ। दुआएं सुनो सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था। क्या बात है,
अरे गाते गाते एमू थोड़ा शर्मा जाती है, है ना? क्योंकि प्यार हुआ तो था ना, ये बात तो तय है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे हर बार इस बात पे हंसी आ जाती है। हमारा नाम मत लीजिएगा, हमें भी थोड़ी शर्म आ जाती है। ओ आई एम सो सॉरी, कोई बात छोड़ दो, हम कर लेंगे, इट्स ओके। लेकिन नहीं, मैं उठाती हूँ, आप उठ के आ रहे हो, तुम क्या उठोगी और क्या? अच्छा मुझे बताया आप, अच्छा लेकिन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर द फैक्ट कि मैंने अपना वो टाइम जो था ना वो यूटिलाइज किया, रादर देन जस्ट सिटिंग एट होम एब्सोल्युटली क्राइंग माय आईज आउट, मैंने उस टाइम को कैश किया। ऐसा ही है भाई, वाह क्या बात है। हमें ऐसा मौका मिल नहीं पा रहा है। हाँ भाई क्या करें। अच्छा मुझे बताएं, आप आपने उनका गाना तो गाया, आपने उनसे पूछे तो आपने उन्हें पैसे दिए क्या, फीस आपको? नहीं वो मैंने दिए, वो इनका काम था, पैसे मैंने दिए, गाना इन्होंने गा दिया। गुड गुड। अच्छा मुझे बताइए, आपने कवर सॉन्ग काफी गाती हैं, आपने काफी गाए हैं, तो मुझे बताइए असली जो सिंगर थे उन्होंने अच्छा नहीं गाया होता इसलिए आप गाती हैं कवर्स? नहीं नहीं, क्योंकि वो बहुत प्यारा गाते हैं इसलिए आपका दिल करता है कि आप उनका कवर करो। नहीं ये होता है, लोगों ने तालियां बजा के तुम्हारा मुंह बंद करने की कोशिश की है, तुमने नोट किया? जब जब किसी पॉलिटिशियन की बात अच्छी नहीं लगती लोग तालियां बजा देते, चलो भाई बस हटो। And I personally think कि अगर आप artist का किसी को किसी की तारीफ करना लगा, अगर मैं किसी को कहना चाहती हूँ कि एक और artist को कह रहा आपने बहुत अच्छा गाया, तो I think doing their cover is the best way of telling them or expressing them कि I respect your work so much. Absolutely. Wow, wow, wow. It's a way of appreciation basically कि आप जो हैं, और no doubt Aima is a global artist और Kaifi was just starting out, तो मुझे ऐसा लगता है जब इतने बड़े आर्टिस्ट आपके लिए काम करेंगे तो आपकी रीच भी बढ़ती है और लोगों को पता लगता है कि आप ओरिजिनल की तरफ कैसे आते हैं। सो थैंक यू सो मच, मुझे ऐसा बहुत अच्छा किया आपने यंग टैलेंट को इस तरह से प्रमोट करने के लिए। माय प्लेजर, बिल्कुल महा। मैं भी ये सोचूं आयमा के सारे कवर्स गा कर ना, सारे गाने गा कर मैं भी इन्हें वो दूँ जो इन्होंने वो ना ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट दूँ। यस मैं अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी तो मैं जिंदा हूँ यार। अच्छा हम तुम्हें ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, तुम जितना जल्दी निकल लो यहाँ से, और ट्रिब्यूट से पहले वाला काम भी हम खुद ही करेंगे, है ना, खुद ही कर लेंगे। अच्छा मुझे पता है काफी ना सिंगर्स फीमेल सिंगर्स को एतराज होता है कि सारे जो हैं गाने, कोई अगर PSL का गाना वो भी आपको मिल जाता है, किसी एड का गाना वो भी आपको मिल जाता है, कोई प्रमोशन सॉन्ग हो वो भी आपको मिल जाता है, कोई फिल्म का गाना वो भी आपको मिल जाता है, तो मुझे पता है कोई और फीमेल सिंगर्स नहीं है उनको एतराज होता है कि उन्हें कोई काम क्यों नहीं मिलता, आपको क्यों सारे काम मिल जाते हैं? अच्छा पहली बात तो ये मेरी अम्मी की बहुत दुआएं हैं, ठीक है मेरे पीछे। बाकियों की अम्मियां बद्दुआएं दे रही हैं उनको? नहीं नहीं नहीं, देखिए बाकियों की अम्मियां आई एम सो देयर सो लकी कि वो सारी हयात हैं और अल्लाह करे कि हयात रहें और हमेशा रहें। मेरी अम्मी हयात नहीं है और जाते जाते भी बिल्कुल बिल्कुल जब बेड पे थी तो होश में नहीं होती थी, लेकिन लाइक हाथ उठा के दुआ करती थी कि अच्छा मेरी बेटी जो करना चाहती है उसको सारी कामयाबी मिले, और वो सारी दुआएं कंप्लीट भी हो पूरी भी हो गई हैं और आई थिंक अभी उन्होंने और भी की होंगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ विद इन फीमेल्स वी हैव दिस ग्रुप व्हाट्सएप पे, एक हमारा एक ग्रुप चैट है जिसमें सारी सिंगर्स जो हैं वो ऐड हुई हुई हैं, और हम लोग जो जिसका नया गाना आता है हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम लोग लगाते हैं और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लाइक ऐसा नहीं कि हम लोग में कोई राइवलरीज हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा तो तुम्हारे ही अपलोड होते होंगे और तुम्हें ही मुबारकबादें आ रही होंगी। नहीं अब तो बहुत सारी आ गई, बहुत सारी आ गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी अम्मी ने और भी कुछ दुआ की थी तुम्हारे लिए, वो है नेक्स्ट स्टेप दैट इज एक्टिंग। हम देखना चाहते हैं कि आयमा बहुत जल्द जो है वो आपको स्क्रीन्स पर भी, कौन देखना चाहता है भाई आयमा को एक्टिंग करता हुआ? क्या बात आयमा, फिर हो जाए तैयारी हो जाए, साथ हो जाए फिर, डन 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 डन, फिर ये तो तय हो गया हमें भी साथ चांस दे दी। नहीं नहीं आप नहीं, भाई नहीं, भाई जाएगा, भाई का रोल है वो तुमसे कराएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। वो तो अजहर भाई मांग रहे ना सुबह से यार, हमारे लिए सारे भाइयों वाले काम निकाल भाई, आप अपना बताइए। अच्छा मैंने सुना है, ठीक है आपका पहले ना 75 किलो वजन होता था। हाँ, 78 kg। यस यस, फिर उसके बाद आपको एक मच्छर ने काटा, आपका जो है वो 45 किलो हो गया वे। तो मुझे बताया मच्छर का क्या बना, उसका कितना वजन रह गया? मच्छर का तो पता नहीं, लेकिन ये बात सच है कि मैं 78 kg होती थी। This was how long ago? This was when I was in college and I was 16 years old. Really? और मैं कोई पिक्चर नहीं खिंचवाती थी क्योंकि पूरी पिक्चर में आती सिर्फ मैं थी, मैं मजाक नहीं करी। I used to cover the entire picture and I used to have like triple chin and all, not double. ट्रिपल चेन, क्या बात है, there's a thing called ट्रिपल चेन, क्या बात है। हाँ मैं ये नहीं कहूंगी वो नहीं, मैं बिल्कुल भी लाइक मुझे मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे फिर भी अपनी शक्ल बहुत पसंद थी। Of course, of course.
लेकिन इट्स जस्ट दैट कि हाँ मैं बहुत आई वाज अ वेरी मैसिव इंडिविजुअल. ठीक है और उस टाइम पे मैं 30 साल की लगती थी और अब मैं अपने एज से कम लगती क्योंकि यू नो बिकॉज़ आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ वेट. बिकॉज़ ऑफ डेंगी वेट लूज किया या फिर वैसे नहीं नहीं बीच में तो उससे पहले तो आई स्टार्टेड ऑफ विद योगा एंड कार्डियो. ओके और वो आज तक मैं कर रही हूँ. योगा मैं नहीं करती इतना नहीं करती बट कार्डियो आई स्टिल हिट द जिम ट्वाइस. कार्डियो से वेट लूज होता है ना. बिल्कुल होता है. आई एग्री. सुन रहे हैं अजहर भाई कार्डियो करना पड़ेगा आपको. इसका मतलब है कि सितरा को भी डेंगी करवाना पड़ेगा सितरा को कम से कम एक बार तो. अच्छा भाई तुम्हारे पास एक सवाल का मैं तुम्हें और मौका दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो कर सकते हो. हाँ हाँ मैंने सुना है. ठीक है कि ना ये जो PSL के पिछले दो गाने आपने गाए थे. ठीक है तो चार गाए थे मगर इस बार आपको नहीं गाने का मौका मिला किसी और सिंगर को मिल गया और आपको इतना गुस्सा चढ़ा कि आप PSL की जो वो हुई थी ओपनिंग हुई थी सेरेमनी उसमें आपने जबरदस्ती जाके गाना गाया पार्टी. जबरदस्ती जाके कौन सा गाना गाया. वो वाला गाना गाया था वो जो सायरे ली बग्गा के साथ. नहीं 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 पहली बात तो यार आई वाज सुपर मुझे एक्चुअली हुआ था आई एम नॉट गोना लाई बट इट्स जस्ट दैट के आई वांटेड टू डू समथिंग मोर प्रिविलेज्ड दिस टाइम मोर ऑनरेबल दिस टाइम. और अब इतने अमेजिंग वैसे सिंगर्स आ गए नए उनको भी गाना चाहिए. बट जब मुझे PSL की टीम ने PCB की टीम ने ये ऑफर किया कि हिस्ट्री में हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी फीमेल सिंगर ने जो इस्टेब्लिश हो नेशनल एंथम का भी रिसाइट किया. क्या बात है. तो जब उन्होंने मुझे ये बात कही कि मैंने कहा अच्छा ये कभी पहले हुआ नहीं है एंड देन नेशनल एंथम वो भी एक फीमेल वॉइस में हमने कहाँ सुना है कहाँ सुनने को मिलता है और वो भी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी. और मैं बहुत नर्वस थी. आई एम नॉट गोना लाई तो नहीं रही थी. नहीं मैं नहीं भूली. आपने देखा नहीं आपको देखना चाहिए था. मैं नहीं भूली भाई. इस पे बहुत सारी तालियां भी चाहिए. बड़ा प्रेशर होता है. द फर्स्ट एवर सिंगर इन पाकिस्तान जिन्होंने PSL में नेशनल एंथम से सेरेमनी को किक स्टार्ट किया. आई थिंक ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है. एक बार फिर से बहुत सारी अप्रिसिएशन. हम वापस आएंगे तो फोर्थ एंड फाइनल शो में कहीं जाएगा मतलब अभी बहुत सारी बातें करनी है. आई एम ऑन द वे. एक से द फोर्थ एंड फाइनल शो और फाइनली लाहौर एक बार फिर जीत गया है. तालियां होनी चाहिए लाहौर के लिए. अगर इस्लामाबाद और लाहौर में से चूज करना पड़े तो कौन सी टीम को जिताने में आपकी. लाहौर. सो लाहौर फाइनली आज जीत गया. सर क्या गलत किया आज इस्लामाबाद ने. गलत क्या किया क्या लगता है आपको. आई थिंक गलत मेरे ख्याल में बॉलिंग आज काफी शॉर्ट रही उनकी. विकेट जो था आज काफी अगर देखे तो क्रैक्स से विकेट पे गेंद फंस रहा था. बॉल नीचे भी रहा काफी. जो पहली डिसमिसल भी थी ताहिर बेग की वो शादाब का बॉल बहुत नीचे रहा और बाद में भी देखा क्रैक से लग के बॉल मूव भी कर रहा था और कभी अप एंड डाउन भी हो रहा था. तो उस हिसाब से 200 रन बहुत ज्यादा थे. इवन के स्टार्ट इस्लामाबाद ने अच्छा किया था. तो फिर उन्होंने कैसे बनाए 200 रन अगर बाद में नहीं बनने थे तो. नहीं मेरे ख्याल में बॉलिंग अच्छी नहीं. बॉलिंग जो है ना वो अगर हार्ड लेंथ पे बॉलिंग अगर अच्छी लेंथ पे बॉल करते तो इतने आसानी से रन नहीं बनने थे. तो आपको क्या लगता है कि इस बार शुरू की तीन टीमें कौन सी होने वाली हैं जो कि टॉप पे रहेंगी. एक तो मुल्तान हमें नजर आ रही है उसके अलावा. देखिए अभी तक जितनी क्रिकेट हुई है उस हिसाब से मुल्तान लाहौर और इस्लामाबाद ये तीन टॉप की टीमें हैं. उसके बाद आपकी जो निचली तीन टीमें हैं वो जलमी ऑब्वियसली कराची और वो जो हमारे नीचे से हम लोग टॉप कर रहे हैं हम कराची और क्वेटा. क्वेटा इस टाइम चैंपियन जा रही है नीचे से. क्वेटा से हवाएं आती हैं हम कैच करते हैं वाईफाई के जरिए और हम भी जो है उसी रंग में रंगे जा रहे हैं. अच्छा भाई बातें क्रिकेट की चल रही है साथ साथ में. आप गाती तो बहुत अच्छा है सुर आपके बहुत ज्यादा लगते हैं. अब देखते हैं कि बॉल आपके बल्ले पे आता है या नहीं आता. हम खेलेंगे मैं बैटिंग करूंगी. एब्सोल्युटली द फॉर द पायर एक्सप्रेस. आइए आयमा. आयमा द ट्रिक इज के पाकिस्तान के एक्स कप्तान सर इजाजत है क्योंकि आप तो बैट्समैन है ऑब्वियसली तो इसको बॉलिंग तो आती नहीं इसका मतलब है फिर ऐसे ही होगा. अच्छा भाई हम आपको बॉलिंग कराएंगे आपने शॉट भी लगाना है साथ साथ में सवाल का जवाब भी देना है. अच्छा so, और अगर मैंने ऊपर लगा दी और ऑडियंस में किसी तो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे उनको. ठीक है जिसको भी लगी कोई बात नहीं. अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है. भाई आप लोग सब बोलो आओ मुझे मारो क्योंकि 5,000 रुपए मिले. भैया बैट आपने देना है. ठीक है बैट कौन देगा भाई बैट दो फटाफट से. आयमा सिंस यू आर वेयरिंग अ जंपसूट तो जंप अप नहीं करना. ठीक है नॉर्मल रहना. तो नहीं ये जब थक जाएंगे तो फिर हम खेलेंगे. अच्छा ठीक है पहला सवाल पहले एक ट्राई बॉल कर लो ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए. कराई वेरी गुड. अजहर भाई अच्छा मैं ऊपर रखूंगी. ठीक है समझ आ गई. सवाल पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है साथ साथ में. पहला सवाल है इनमें से सबसे अच्छा कंपोजर कौन है. सवाल सुना. इनमें से सबसे अच्छा कंपोजर कौन है. शुजा हैदर
हंसने के लिए शुजा हैदर, एक मिनट मुझे जरा अपने पे हंसने दें। अच्छा वो बैटिंग पे हंस रही है शुजा हैदर। अभी और मैं बता रहा हूँ, शुजा हैदर, रोहेल हयात या फिर जुल्फी। शॉट, आंटी के सर पे मार दिया, आंटी ने सर पकड़ लिया, आंटी को लगा, लेकिन कह रही है पहले 5,000 दे दो कह रही चोट छोड़ दो। आंटी आई एम सो सॉरी, इट्स ओके आंटी, घर की है आंटी, आई एम सॉरी। 5,000 रुपए मांग रहे हैं, देके जाएंगे, देके जाएंगे, मैं देके जाऊंगी, घबराने की बात नहीं। जुल्फी, रोहेल हयात या फिर शुजा हैदर। बेस्ट कंपोजर आई वुड से मिसेस रोहेल सर, तो वैसे ही इज लेजेंडरी, बट रिसेंटली आई वुड से जुल्फी। जुल्फी क्या बात है भाई, ताली होनी चाहिए जुल्फी के लिए। अरे भाई क्या बात है, लड़की मैंने तो पिच में सुधर के है ना। अच्छा इनमें से कौन सा गाना मैं गाती तो ज्यादा बड़ा हिट होता। वाओ 15,000 रुपए हो गए, मुझे भी 5,000 देने चाहिए तुम्हें। इनमें से कौन सा गाना मैं गाती तो ज्यादा बड़ा हिट होता, तूने ऐसी अदा से एनी खालिद का, बूहे बारियां हदीका क्याली का, या दिल हुआ बो काटा फरिया परवेज का। आई थिंक पहला वाला कर ले, बाकी तो दोनों बहुत अच्छी हैं। तूने ऐसा, तूने ऐसी अदा से जो मार, एनी खालिद का, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। गाना अच्छा था वो वैसे, आप गाना अच्छा था, आई लव्ड इट। या उसके बाद जनाब, जादू का चिराग मिल जाए तो आप क्या विश करेंगी। लगता है इसी से करानी पड़ेगी सारी आपकी तरह है ना। जादू का चिराग मिल जाए तो आप क्या विश करेंगी, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा फेम, या सिर्फ सुकून। सुकून विद ज्यादा पैसा। सुकून विद ज्यादा पैसा, भाई क्या बात है, अच्छी बात भाई। पैसा तो एमू के पास है, पैसा तो एमू के पास है, सुकून हम दे देंगे। सुकून तुम अपना नाम रख लो ना, सुकून ऐसा कर लो। हाँ ये भी ठीक है। अगला सवाल, इनमें से सबसे बड़ा म्यूजिक लेजेंड ये है, माइकल जैक्सन। यार ये बहुत नहीं, ये मशीन नहीं ठीक है मेरे से, इसको भी लड़ाई है मेरे से, ठीक है। बैटिंग का नशा याद सिखा के भेजेंगे। देखिए मुझे उठाने में, इसको यूं करने में भी टाइम लगता है। अजहर भाई थोड़ा आराम से बॉल कीजिए। असल में अजहर भाई की अपनी जो है ना वो एक इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है, अजहर अली एकेडमी, बिल्कुल है, वहाँ पे लड़कियों को भी सिखाएंगे ना, 1-to-1 कोचिंग शुरू। इनमें से सबसे बड़ा म्यूजिक लेजेंड ये है, आयमा, माइकल जैक्सन, नूर जहां, या फिर नुसरत फतेह अली खान। अरे क्या सवाल किया यार आपने, बस गई, बस गई, बस गई। ये तो सारे लेजेंड हैं, लेकिन आई थिंक नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान साहब, वन एंड ओनली। अगर फिल्म में किसी सिंगर के साथ ये क्या कर रहे हो तुम, बैठ गई वहां से। अगर फिल्म में किसी सिंगर के साथ हीरोइन आना पड़े, ये ठीक है, फहद मुस्तफा। अरे सुन तो लो ऑप्शन, बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, हमारे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। अच्छा आना पड़े तो किसके साथ आएंगी, नईम अब्बास रूफी, वारिस बेग, या फिर हसन जहांगीर। अब ऑप्शन यही है हमारे पास। तो मेरा जवाब बहुत अच्छा नहीं था। नहीं ना, ये इनमें से देना है। अच्छा इनमें से देना है, हसन जहांगीर। हसन जहांगीर, हसन जहांगीर। हसन भाई आज आप सारी रात सोएंगे नहीं, मुझे लगता है आपको नींद नहीं आएगी, आप हवा हवा भरते रहे, आज कुछ ना कुछ हो ही जाए। ओ माय गॉड, मैं अगर मिनाल खान होती तो इनकी इंस्टा स्टोरी कॉपी करती। बिलाल खान वो डूबरा वाला। नहीं नहीं, मिनाल खान कह रहे हैं। अच्छा मिनाल खान, एमन मिनाल वाला। अच्छा आरियाना ग्रांडे, काइली जेनर, या फिर सेलेना गोमेज। मैं क्या होती अगर मैं, अगर इनकी किसी की स्टोरी चुरानी होती तो किसकी चुराती। यार अच्छा ऐसा मुझे पता लग रहा है, जाती मैं रेडिट पे जाती और मैं वहां से कुछ उठाती। अच्छा नहीं, प्रॉब्ली लाइक आई थिंक कैंडल। क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए। ज्यादा बड़े सिंगर्स के साथ गाना गाते हुए किस बात की फिक्र होती है, सारी लाइमलाइट ना ले जाएं, मेरा बजट ना खा जाएं, या फिर मुझे सिखाने ना लग जाए। अच्छा इस इनमें से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि यार बिकॉज़ दे आर लाइक लेजेंडरीज, मेरे सामने इतना ये होता है कि ये क्योंकि वो बहुत अच्छा गा रहे होते हैं तो आपको उनके लेवल पे तो आप कभी आ नहीं सकते, तो नर्वसनेस होती है बेसिकली, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती तो है। तो सबसे ज्यादा नर्वसनेस किसके साथ हुई ऐसे सीनियर्स में से गाते हुए? राहत भाई के साथ हुई। राहत भाई, ठीक है, क्योंकि वो ओ माय गॉड है ना। एंड देन किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ इसके बाद, बिकॉज़ राहत साहब के साथ बंद। क्या बात है, उनके अलावा कौन है और भाई वाह। अगर सिंगर्स का मुकाबला हो तो इनमें से किसको इजीली हरा सकती हूँ, शाय गिल, मोमना मुस्तैसम, या फिर कुरतुलैन बलोच। यार ये सारी बहुत अमेजिंग है वैसे, तो मैं खुद हार जाऊंगी। मुझे हाँ, मैं हार में कहूंगी गिव अप, आई गिव अप भाई, आई मैंने गिव अप कर दिया। क्या बात है, लड़की बहुत अच्छा खेल रही है भाई, क्या बात है। अच्छा भाई, पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का फ्यूचर इनमें से कौन
पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का फ्यूचर इनमें से कौन बर्बाद करेगा? महविश हयात, महविश हयात, उर्वा हुसैन या फिर हीरा मानी? यार क्या कर रहे हैं, तीनों ही करेंगी, तीनों मिलके करेंगी, तीनों मिलके करेंगी। भाई बहुत अच्छा खेली है आयमा, वेरी वेल प्लेड आयमा। आइए आयमा, बैटिंग करने में मजा आया आपको? हाँ? बैटिंग करने में मजा आया आपको? मजा आया, वाकई हमने देखो ऐसा रखा हुआ है। अच्छा आयमा, ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपको मौका मिले एक्टिंग करने का फिल्म में या टीवी में, तो किस डायरेक्टर के साथ करने का आपका दिल होगा? जो डायरेक्टर आप यूज करते हैं, जो भी डायरेक्टर, मतलब मुद्दा जो है डायरेक्टर्स नहीं है, मेरे साथ बेसिकली काम करने का। हां, मैं एक्चुअली बेसिकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक फर्स्ट टाइम ऑन द टीवी, आई एम अबाउट टू से दिस, बट मैं फहद मुस्तफा के साथ काम करना चाहती हूं। क्या बात है, एज अ प्रोड्यूसर खाली, आप एज अ प्रोड्यूसर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं मैं एज 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 एन एक्टर, एक्ट्रेस, व्हाटएवर, मैं इनके साथ काम करना है। हां क्या बात, इसके तो बड़े भाई भी होते हैं। एंड एक्चुअली ही नोज अबाउट दिस, ये जानते हैं इस बारे में, इनको मैं हजार दफा बात पहले बोल चुकी हूं, पहली दफा स्क्रीन पे बोल रही हूं, लेकिन आज सबको पता लग गया, आज सबको पता लग गया, बट लेकिन मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि मुझे फहद के साथ काम करना है। क्या बात है भाई, करेंगे करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। अच्छा भाई, अब आपने बहुत अच्छा खेला, हमारा अगला सेगमेंट है उसको हम कहते हैं ये करके दिखाओ। okay. वो तो आपने कर लिया, अब देखते हैं आप ये कर दिखाती हैं या फिर नहीं दिखाती हैं। हमारे पास कुछ सिचुएशंस होंगी, वो हमारे लड़के आपको एक्ट करके दिखाएंगे। खाली लड़के तो फिर हम ही आएंगे, ये तो नहीं आ सकेगा। और आपने गेस करना होगा कि ये क्या कर रहे हैं। ओके okay? अच्छा, कोई गाना है या फिर कुछ भी, अलग अलग चीजें, सिचुएशन हो सकती है, फिल्म का नाम हो सकता है, पर्सनालिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम ही रेडी हो आप लोग? भरोसा कर लो इस पे, ठीक है? आंखें बंद, और पहली सिचुएशन है ये करके दिखाओ में, वो ये। ओके, सो इट्स अ फिल्म, फिल्म, ओके ठीक है, चलिए देखिए देखिए, नो पॉइंटिंग टू ईच अदर, ओके ओके, इट्स अ फिल्म, चले। बादशाह, नहीं क्या, नहीं क्या, ये क्या कर रहे हो? गन, गन है, गन है, हाँ, बंदूक, पिस्टल, गन को कुछ कर रहे हो तो? गन, गन, हाँ, लोड कर रहे हैं आप? लोड शेडिंग, नहीं, लोड शेडिंग कौन सा फिल्म है, तो रोज ही हो रहा है, लोड वेडिंग, लोड वेडिंग। क्या बात है, तुम तो अच्छे एक्टर हो, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। थैंक यू, वेरी गुड। लोड शेडिंग, आंखें बंद, लोड शेडिंग हो रही है। हाँ भाई, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर, हटाओ भाई, ठीक है, सो इट्स अ सॉन्ग, सॉन्ग, ओके, यू कैन ओपन योर आईज, देखिए देखिए, ओके, सिटी बज रही है, सिटी बज रही है, सिटी, ओ सी टी, हाँ ये अच्छा, सी टी स्कैन, हाँ सिटी बजेगी भाई, वाह क्या बात है, भाई लड़की तो टैलेंटेड है। हाँ, हमारा तरह कनेक्शन है ना दूसरा। अच्छा, भाई बहन वाला ना। आइए देखते हैं, जेनेटिक्स भी कोई चीज होती है, आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। भाई लेट्स सी, आंखें बंद, ओके ओके ओके, ठीक है, देखिए देखिए, तो इसपे, तो इसपे इशारा कर सकते हो तुम, आओ तुम करो, तुम्हारा जिक्र है इसमें तो तुम ही करोगे, करो, वाओ, सांप बन रहे हैं पहले, और नहीं बन नहीं रहे, मुंह बंद करो अपना, मुंह से क्यों बोल रहे हो, अरे, और फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, जी जी, सांप बन के ऊपर चढ़ रहे हैं, चूहे की तरह, दूसरे फ्लोर पर रहता है सांप, ये पहला सांप है जो चूहे की तरह चल रहा है आगे, ये गाना है या फिर लूडो है, गेम है, गेम है, हाँ गेम, लूडो वो जो होती है, ये कयामत की निशानी है और कुछ नहीं है, उसको मैं बस ये सांप वाली, स्नेक वाली, स्नेक, स्नेक, उर्दू में, उर्दू में, सांप ऊपर चढ़ना, बात है कि सांप सीढ़ी बेसिकली उसका नाम, क्या बात है, वेरी वेल डन, पहली दफा किसी ने इसका किया हुआ गेस किया है, सबसे बेस्ट था वो लूडो के पीछे वाली जो गेम होती है, ये अच्छा वो वाली, वेरी गुड वेरी गुड आयमा, बहुत अच्छा, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, एंड लेट्स सी क्या होने जा रहा है, ओ माय गॉड, देखिए 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 देखिए, हां जी खोल लीजिए, दिल, दिल हुआ वो काटा, अरे वाह लड़के, आई एम वेरी सीरियस, थैंक यू, तुम्हें तो वाकई एक्टर, आप सिर्फ उनकी तारीफ कर रहे हैं, मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैं इजीली गेस कर रही हूं, कीजिए तारीफ प्लीज, देखो मैं लाइव तुम्हारी ज्यादा तारीफ करना नहीं चाहता, सब जानते हैं आयमा के बारे में भाई, ताली और चाहे आयमा के, हां लेकिन इनकी तारीफ अजहर भाई करेंगे, अजहर भाई आप कीजिए, क्या
तारीफ किसकी? एमओ की तारीफ पे तारीफ। हाँ, इतनी जबरदस्त बैटिंग की आज। रन आउट हो गया आज़र भाई, रन आउट हो गए। नहीं, रन आउट हो गया। इतनी अच्छी बैटिंग की आज मेरा। आइए, आके बंद। और अगली सिचुएशन है। लो भाई। अरे वाह, वेरी गुड। देखिए देखिए देखिए। ठीक है, देख ले। इनको देखिए। ये क्या कर रहे हो भाई? रोटियां बना रहे हैं और उसमें लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं? किसमें? वो जो होता है, वो जो होता है, लूटो के पीछे वाला गेम। वही वो जो होता है, वो क्या होता है? जिसमें रोटी बनती है। हां वही चीज, उसको क्या कहते हैं? देख। देख नहीं कहते उसे। नहीं, देख नहीं कहते उसको। क्या कहते हैं? अवन। अवन। अवन क्या कहते हैं? फ्रिज। फ्रिज। प्लीज बता। फ्रिज यार। नहीं यार, नहीं फ्रिज नहीं। क्या कहते हैं? दीवार। अरे तुम तो चुप हो जा। उन्हें पता चल गया, उन्हें पता चल गया। रोटी को दीवार से लगाया जा रहा है। नहीं, अरे नहीं होता, इसके मुंह जैसा होता है। ये गाना क्या है? कुआ, नहीं, कुआ। नहीं, चीज। हाँ, वो उसी चीज का नाम ही तो नहीं क्या है? कुआ। अरे, कुआ। 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 पता चल गया। अरे आराम से। नहीं 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 नहीं, रोटी में जिसमें बनती है उसको कहते हैं। अरे लूडो। देखे, एक चीज होती है करीब, एक चीज होती है दूर। दूर रोटी। मेरा कोई कसूर नहीं, उन्हें उर्दू आती नहीं है। क्या अंग्रेजी में बता दे। अंग्रेजी में बता चुकी हूँ। ये तो मुझे लग रहा है दूर है लड़की, पता नहीं कुछ इससे। अरे रोटी से दूर लड़की पे कहाँ चले गए हम? मुझे यू करके नहीं, यू यू। अच्छा, वो यू यू पे लड़की समझ रही है भाई। ये क्या कर रहे हो तुम भाई? ये पता नहीं क्या कर रहे हो। तो हम भी सोच रहे हैं ये कुछ और इसका क्या मतलब होता है? नहीं, अरे बहुत आसान है वही चीज जो आप एक तो दूर हो गया। इसमें रोटी बनती है, चीज वही है ना। हां चीज वही है जिसमें रोटी बनती है। मुझे ठीक है ना, करवाओ ना याद। किस तरह है वो वर्ड कर तो रहे हैं। एक करीब होता है, दूसरा होता है दूर। हो गया हो गया, उससे पहले वाला ना। दूर से पहले वाला ये क्या है? अच्छा तुम्हें दिखा देते हैं लड़का। क्या मटका? मटके में रोटी बन रही है। मटका दूर। दिखाइए दिखाइए भाई, दिखा दीजिए। ये देखिए वो क्या करना चाह रहा है। वो ये देखो, वो ये कर रहा है तन। हम तन कर रहे हैं। तन दूर। नाइस। देखिए नहीं नहीं, तन आपने गलत किया। आपको तन पे यूं करना चाहिए। आपको तन पे यूं करना चाहिए। हमारी गलती। आप ये किस तरफ चले गए? इट्स अ फैमिली शो। आप क्या करना चाह रहे थे भाई? आइए भाई, आखिरी आखिरी सिचुएशन है हमारे पास। लेट्स सी। आगे बंद। और वो है ये भाई। वाह, लो आओ भाई, तुम आ जाओ आगे। तुम्हारे मतलब क्या आ रहे हैं सारे? तुम्हारे मतलब, चलिए देखिए देखिए। बंदर। वेरी नाइस। बंदर क्या जाने। वही वही बिस्किट। बिस्किट का स्वाद। बंदर क्या जाने किसका स्वाद। असल चीज ही भूल जाती हूं। मुझे उर्दू नहीं आती यार। चॉकलेट का। चॉकलेट का होगा लूडो के पीछे। डार्क चॉकलेट। सांप का स्वाद। स्ट्रॉबेरी। सांप का। बंदर क्या जाने सांप का स्वाद। भाई वाह, क्या बात है। अरे एमो गार्लिक। अच्छा एक मिनट, सामने से हटो, वो सांप से निकल ही नहीं पा रही है किसी तरीके से। सांप निकाल दिया हमने। बंदर क्या जाने जिस चीज का स्वाद है वो मुझे बताएं। गार्लिक। डार्लिक। अरे गार्लिक। गार्लिक को उर्दू में क्या कहते हैं? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक का स्वाद। यार द बेस्ट वॉज के बंदर क्या जाने सांप का स्वाद। ये कमाल था। हमारे पास एक और है, हम एक दिखा सकते हैं। वेरी गुड। और वो है ये। ओके नाइस। सो इट्स अ मूवी। मूवी ओके। एंड इट्स अ पाकिस्तानी मूवी। इट्स अ पाकिस्तानी मूवी। इज इट एन ओल्ड मूवी? अच्छा आप कर रहे हैं। ओके, पांच छह सात सात वर्ड्स हैं। ये मुंह से अगर तुमने बोला ना, सात वर्ड्स हैं। हाँ नहीं, सातवां वर्ड पहला। सात एक वर्ड है। पहला वर्ड। पहला वर्ड सात। सात दिन मोहब्बत है। अरे वाओ, well done Emu, well done Emu। ये आपको कैसे इतनी जल्दी पता? क्योंकि मेरा गाना था इसमें। उसमें गाना था भाई, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आयमा यू हैव डन सो वेल अभी तक, लेकिन देखो अब जो असल एक्सपेक्टेशंस है ना तुमसे, वो है पब्लिक को। पब्लिक बहुत उदास है, बहुत परेशान है, बहुत दुख में है। पॉलिटिशियंस ने तबाह कर दिया है। तो हम चाहते हैं सिंगर्स जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं, तो आज पब्लिक को आपने खुश रखना है अपनी जनरल नॉलेज से। अगर आपकी जनरल नॉलेज सही हुई तो पब्लिक सुखी रहेगी। मतलब आप चाह रहे हैं कि मेरी, क्योंकि आपको पता है कि जनरल नॉलेज का लेवल क्या है। अच्छा यहाँ जो भी आया माशाल्लाह सबकी जो है ना एक ही जैसी है। हम शुरू करते हैं। अच्छा आपके राइट पे आवाम है, वो डूब जाएगी अगर आप गलत सवाल देंगी। डूब जाएगी तो, ये देखो वो रही आवाम, वो देखो। अरे वो बैठी ऊपर ऊपर। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आवाम जो है वो पानी में डूब जाएगी। नहीं यार, दैट्स व्हाट। और सारा का सारा मुद्दा आपके ऊपर आएगा। आवाम कुछ कहना चाहते हो? आयमा जी को दिल की गहराइयों से सलाम कहता हूँ। ये बहुत अच्छा बोला तुमने, वेरी गुड।
आई एम रेडी है तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या है कितने पानी में का पहला सवाल. हाँ भाई, ये बच्चा कौन है? बच्चा, ये बच्चा कौन है? बच्चा है. गाना गा रहे हैं? कुछ तो कर रहा है, माइक के आगे तो कुछ तो कर ही रहा होगा. ये मेहदी हसन साहब तो नहीं है? क्या लगता है? हो भी सकता है. ये बड़ा के कौन बना? ये बड़ा आदमी कौन बना? ये हयात है? हाँ हयात है. अच्छा, हयात है. अजहर अली आप तो नहीं है ये कहीं? नहीं ना, हमें भी शक था. कोई भरोसा नहीं यार. मैं मुझे इतना मुश्किल क्यों दे दिया है? गौर से देखो, ये है तो पाकिस्तान से. ये काफी आसान है होगा जो बाकियों को मिले. ये राहत साहब है. राहत साहब है? राहत पता नहीं. पक्की बात है? आखिरी फैसला. पब्लिक आइए देखते हैं कि आप बचते हैं या नहीं बचते. और इन्होंने जवाब दिया, राहत फतेह अली खान. राहत भाई बचपन में कितने मासूम लगते थे. वाह, मैंने पहचान लिया. पहचान लिया, क्या बात है. अब बच गए. थैंक यू बोलो. थैंक यू मैडम, थैंक यू. अभी रुक जाओ, अभी मूड आएगा, अभी रुक जाओ. हाँ हाँ जी, कितने पानी में? और वो है ये. अच्छा, दो मशहूर पाकिस्तानी सिंगर्स पहचाने कौन हैं? पहला वाला तो आसिम. ऊपर वाला आसिम है. अच्छा, आसिम ही है या? हाँ आसिम ही है. तुम कह रही हो वाला अली जफर है? दूसरा वाला अली जफर है. पक्की बात है? हाँ. चेक करें? जी करें. तो फिर एक दो और. अली जफर और आसिम अजहर. सो हैप्पी, आवाम को खुश रखा हुआ है आयमा ने. अब देखते हैं आगे क्या कर पाती हैं. और अगली क्या है भाई? इट्स अ साउंड. ओके, आपने सुनना है और गैस करना है कि ये किसकी आवाज है. ठीक है, सारे खामोश हो जाएं. हाँ जी प्लेट. हाँ भाई देखें, पहली बात तो ये सुने, ये तो सुनने वाला था. सारे सुनेगा ये. मैं गाने मैंने सारे सुने हुए भी हैं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये कि मैं नाम भूल जाती हूँ. लेकिन मैं गैस कर लो. इट्स ओके, डजंट मैटर. नैयरा नूर लग रहा है आपको? या फिर नहीं नहीं नहीं, इकबाल बानो भी नहीं. इकबाल बानो, कोई एक इकबाल बानो. तुम चुप रहो वरना मैं डुबा दूंगा तुम्हें आगे. हाँ जी, 5 4 3 2 1. नहीं आता. पहले मैं दिखाऊं, मैंने देख लूं. तुमने कहा इकबाल बानो या नैयरा नूर. अगर दोनों में से कोई एक हुआ तो हम बचा लेंगे पब्लिक को. ओके, लेट्स सी. ये आवाज थी किसकी? सज्जाद अली की आवाज. आपने वो वाली आवाज चलाई जब उनका भी वोकल बड़ा ही नहीं हुआ था. लाइक लड़कों वाला बड़ा ही नहीं हुआ था. क्या मतलब भाई? हमने आपको राहत फतेह अली खान भी तो दिखाया जब वो बड़ा नहीं हुआ था. आपने पिक्चर दिखाई ना तब. अच्छा ठीक है, ठीक है. आज हम रेडी है भाई पब्लिक. हाँ. परेशान नहीं होना. ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या है मामला. पहचाने कौन? राहत निचाहत फतेह अली खान. चाहत फतेह अली खान साहब. सोचे राहत भाई, आपको बना दिया भाई. ये चाहत है, पक्की बात है. आखिरी फैसला? ये चाहत. ठीक है, तो फिर सही जवाब. बचत हो गई आवाम की. भाई वाह आवाम, तुम्हें बहुत ज्यादा मजे आ गए ना आज. शदीद वाले आखिरी सवाल करने जा रहे हैं आयमा. लेट्स सी, यू आर डूइंग सो वेल बाय द वे. अब देखते हैं, मशहूर स्पिन बॉलर इमरान ताहिर किस मुल्क की तरफ से खेलते रहे हैं? पाकिस्तान. वाह, किस मुल्क की तरफ से खेलते रहे हैं? जी जी, बॉलर इमरान ताहिर किस मुल्क? आप कह रही हैं पाकिस्तान से खेल रहे हैं? देखिए आप लगते भी काफी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान से ही खेल रहे होंगे. ठीक है, आखिरी फैसला. मुझे कोई क्लू ही दे दें. कोई क्लू नहीं देना आप. आप पैर हिलाते रहे बस ऐसे परेशानी में. हाँ भाई क्या करना है? नहीं ए ए स्टार्ट वाला वर्ड दे देते ना. नहीं एक, हाँ, एक तो बचा क्या? नहीं पता लगना उनको. अरे कम से कम ये बता दीजिए कि ये है पाकिस्तानी ही. है पाकिस्तानी. है पाकिस्तानी तो फिर खेल किसके लिए थे? पाकिस्तान के लिए नहीं खेले. इंटरनेशनली किसी और मुल्क से खेले हैं ये. तो किस मुल्क से खेले हैं? 5
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका. आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है. और सही जवाब. यस. आई आयमा. आयमा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट वाज सच अ प्लेजर. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए आयमा भाई के लिए. बहुत मजा आया आयमा आपके साथ शो करके. आप हमारे शो पर आई, बहुत अच्छा लगा. जाने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, कल किसका मैच है भाई? कल फिर डे ऑफ है. कल फिर डे ऑफ है, इसका मतलब है कल हमारा शो नहीं होगा. आप लोगों से परसों मुलाकात होगी. द फोर्थ एम्पायर शो. बाय बाय.